हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th की। इसी संदर्भ में आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 4 का है, ठीक है। और इस चैप्टर 4 में हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, जिसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हमें इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आए थे, ठीक है। ये जो हमारी वीडियो होगी ये दो पार्ट में बनेगी। एक में हम पहले पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिहाज से, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस है इनको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, पहले इस चैप्टर का नाम कुछ और था, यानी कि पहले इस चैप्टर का नाम था आपका यूएनओ करके था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट बाद में इस चैप्टर का नाम चेंज हुआ और इस चैप्टर का नाम आपका पड़ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ही आपका यह बन जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपने जब वो चैप्टर पढ़ा था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, इससे पिछली वीडियो जो आई थी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें आपने क्या पढ़ा था, वहां पर ना रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे। रीजनल का मतलब क्या होता है, जहां पर क्षेत्रीय संगठन बनते हैं, यानी कि कुछ क्षेत्र विशेष के लिए अगर आप कोई संगठन बनाते हैं तो उसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बट ये वाला जो चैप्टर है आपका वो किस चीज से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। देखिए, जो आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें केवल एक क्षेत्र विशेष के देश ही होते हैं, जो कि कम हो सकते हैं। बट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर आप संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व की, है ना। इस विश्व में जितने भी देश हैं, अगर उन सभी देशों को आपने संगठन बना दिया तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। तो यही होती है आपकी मीनिंग, किस चीज की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका महत्व। महत्व क्या होता है, हर एक चीज का अपनी अपने जीवन में महत्व है, ठीक है। आपके रूम में जो लाइट जल रही है उसका अपना महत्व है, एक जो आपके घर में पंखा लगा है, फैन लगा है, उसका एक महत्व है। उसी टाइप से अगर आप देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का महत्व, तो सबसे बड़ा महत्व क्या है कि ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व को संभालता है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे हम कोविड-19 का, ठीक है। देखिए, जब आप कोविड-19 को देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी और इसने पूरे विश्व को एक तरीके से बीमार कर रखा था। अब इसके ऊपर क्या कोई एक देश इसको सॉल्व कर पाता, नॉर्मल सी बातें नहीं कर पाता। इसीलिए हमें ऐसी चीजों के लिए ही किसकी जरूरत पड़ती है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है, जिसके तहत क्या होगा कि सभी के सभी देश मिलकर के उस चीज को टैकल करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का आता है, जिसमें आपसे इसी की मीनिंग या फिर इसके इंपॉर्टेंस की बात पूछ ली जाती है, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आ गया कि जब सभी के सभी देश विश्व के मिलकर के अपना एक संगठन बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जिसका आज के दुनिया में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल देखा जाता है, हर एक चीज को संभालने में, हर चीज को देखने में, हर बीमारी को सॉल्व करने में, हर लड़ाई को सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे बड़ा संगठन आपका कौन सा है, तो वो है आपका यूएन। यूएन को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। तो आखिर ये यूनाइटेड नेशन बना कैसे, तो हमें इसमें 2-3 चीजें जाननी है। पहला कि यूएन से पहले क्या था, इसके मेंबर्स कौन से थे, आज के समय में कितने मेंबर हैं, और इसका मेन पर्पस, क्योंकि हमें इस चैप्टर को कैसे जानना है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक के जरिए। इस चैप्टर की पूरी वीडियो चाहिए वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो आपको पूरी वीडियो हमें आपको भेज देंगे। खैर, तो अगर हम बात करते हैं बिफोर यूएन की, तो यूएन जो था आपका ये 1945 में बना, यानी कि यूनाइटेड नेशन कब बना आपका, 1945 में। इससे पहले क्या था भाई, तो इससे पहला आपका था लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन था। और इस लीग ऑफ नेशन को ही हटा करके क्या बनाया गया, 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाया गया, ठीक है। और ये कब बना एक तरीके से, तो अगर देखा जाए तो वो बना आपका जब आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड जो खत्म हुआ 1945 में, तब ये बना। अब ये 1945 में बना, इससे पहले भी हमारे पास संगठन था, तो आखिर लीग ऑफ नेशन को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से कब तक हुई थी, 1914 से 1918 तक। तो 1914 से लेकर के 1918 में जो वर्ल्ड वॉर हुई, तो ऐसी वर्ल्ड वॉर दोबारा भविष्य में ना हो, इसके लिए आपने एक संगठन बनाया लीग ऑफ नेशन,
ठीक है, लेकिन लीग ऑफ नेशन क्या वर्ल्ड वॉर सेकंड को रोक पाया? नहीं रोक पाया भाई, इसीलिए इसको हटा दिया गया और बोला गया भाई लीग ऑफ नेशन की जगह अब कौन काम करेगा? यूनाइटेड नेशन, जिसको बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने मिलकर के बनाया। तो इस तरीके से इसका हुआ आपका फॉर्मेशन। आज के समय में इसमें सदस्य देश कितने हैं भाई? 193 मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स है इसके अंदर। इसका पर्पस सेम वही है कि पूरे विश्व में पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एक तरीके से प्रमोट करना। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की यही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। आप सभी को पता है एक बात कि आज के टाइम में इंडिया बहुत बड़ी महाशक्ति बनने जा रहा है, ठीक है, और इसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडिया है उसका यूएन रिफॉर्म में क्या योगदान है, फिर वो यूएन से क्या रिफॉर्म्स चाहता है, आप ये समझिए। तो सबसे पहला तो यूएन से उसकी डिमांड रहती है कि हमें एक परमानेंट मेंबर की एक तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिल जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? केवल और केवल 5। ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रशिया, ये 5 देश हो गए जो कि परमानेंट मेंबर है और ये 1945 से ही बने हैं। और इंडिया चाहता है कि एक और मेंबर इसमें जोड़ दिया जाए और हम उस मेंबर के लिहाज से एकदम क्या है, एकदम उस जगह को मतलब संभाल पाएंगे, क्योंकि हम भी उन 5 देशों के बराबर ही हैं। इंडिया की बात यहां पर हो रही है। तो पहला तो आपका ये हो गया। इसके रीजन क्या देता है वो कि हमारा जो देश है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला देश है। इसके अलावा हमारे पास सबसे ज्यादा 1.4 बिलियन लोग हैं, ठीक है, और इस देश में कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा यूएन में ये काफी ज्यादा अपना शांति का योगदान रखता है। जब मान लीजिए विश्व में युद्ध वगैरह जब चलते हैं तो इंडिया वहां पर युद्ध को बढ़ाता नहीं है, युद्ध को कम करता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर लेंगे यूक्रेन की वॉर। यूक्रेन की वॉर में हमेशा जो इंडिया रहा वो किस तरफ रहा? वो हमेशा शांति की तरफ रहा, ठीक है, किस तरफ रहा? वो शांति की तरफ रहा, यानी कि पीस की तरफ रहा, उसने कभी इस युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया। तो इन सब लिहाज से देखा जाए तो इंडिया जो है वो डिमांड करता है कि भाई हमें यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके अलावा आप पॉइंट्स बता सकते हैं कि भारत के पास जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी जो और यहाँ पर जो इसकी इकोनॉमी है वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया ग्रो करेगी, ठीक है। और एक और आप बता सकते हैं कि जो इसकी जीडीपी है वो भी सभी देशों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। तो ये सब जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये उन 5 देशों के तुलना में इंडिया को बताया जा रहा है कि उन 5 देशों की तुलना में भारत कहाँ पर है। तो अगर आप उन 5 देशों की तुलना करते हो ना तो भारत को आप उनके आसपास ही पाते हो, ठीक है। और इसीलिए इंडिया कहता है कि हमें यूएन में परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, ठीक है, यूएन में परमानेंट मेंबर किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का, समझ आया। इसके अलावा और चाहता है वो कि केवल मैं ही नहीं और भी एक तरीके से वहां पर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिले, क्योंकि 1945 से लेकर के यूएन में क्या हुआ कि केवल 5 ही मेंबर ऐसे थे जिनको सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दी गई। तो इंडिया इस चीज़ के फेवर में रहता है कि वहाँ पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे, वरना क्या होगा कि यूएन जो भी फैसले लेगा ना उसके ऊपर एक संदेह की नज़र रहेगी कि यूएन ने फैसला थोड़ी लिया है, उन 5 देशों ने लिया। तो हर एक देश ऐसा सोच सकता है कि नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोच सकता है। तो इस चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए इंडिया चाहता है कि उसको भी सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिले, या फिर दूसरे जो देश हैं उनको भी एक तरीके से मौका मिले सिक्योरिटी काउंसिल में आने का, ठीक है। तो ये था आपका इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। चलिए अब बात करते हैं द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। सबसे पहले यूनिपोलर वर्ल्ड को समझेंगे। देखिए आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाईपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। बाईपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? तो बाईपोलैरिटी का मतलब होता है दो ध्रुवीयता, यानी कि जब आपका विश्व जो हो जब दो ध्रुवों में बट जाए तो उसको हम कहते हैं दो ध्रुव, यानी कि पूरा का पूरा जो विश्व था, मान लीजिए मैं विश्व बना रहा हूँ ये, और इसको एक तरफ मैंने बोल दिया कि ये यूएसएसआर की तरफ थे और एक तरफ आपका बोल दिया मैंने यूएसए की तरफ थे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा विश्व है वो दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। लेकिन आफ्टर द 1991 यूएसएसआर क्या हो गया था? आपका डिसोल्यूट हो गया था एक तरीके से, मान लीजिए इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये वाला जो मतलब ये जो चीज है ये हट गई पूरी की पूरी और पूरा का पूरा जो वर्ल्ड हो गया वो क्या हो गया? यूनिपोलर हो गया। अब एक ध्रुव बच गया आपका देश, ठीक है। तो इस एक ध्रुवीय देश में
यूएन जो है वो कहां है हमें ये बताना है, ठीक है? क्योंकि अगर एक ही सुपर पावर बची तो क्या उसको ये डोमिनेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना? तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जो फैसले लिए जाते हैं यूएनओ द्वारा, उसमें अमेरिका की छाप होती है। किसकी छाप होती है? अमेरिका की। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, अगर आप सही से देखें तो एक तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में है यूएसए, दूसरा बहुत ज़्यादा फंडिंग देता है, इसके अलावा यूएन के मोस्टली जो हेडक्वार्टर्स पड़ते हैं वो यूएसए में पड़ते हैं, इसीलिए लोग जो हैं या फिर जो देश हैं वो संदेह की नज़र से देखते हैं कि यूएन जो है आपका वो यूनिपोलर वर्ल्ड में एक तरीके से यूएसए की तरफदारी से फैसले लेता है, ठीक है? चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका भाई, अगला टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब देखिए ये आता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपकी, उसमें जो परमानेंट मेंबर होते हैं और जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस बताना है, पहले तो इसमें हम नंबर देखते हैं। तो जो परमानेंट मेंबर है वो टोटल कितने हैं, वो है 5, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ठीक है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। नॉन परमानेंट की बात करें तो ये होते हैं 10। कितने होते हैं? 10। और ये जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट है, इसीलिए यहां पर नाम नहीं लिखा है, यानी कि हर 2 साल पर क्या होते हैं, इनके चुनाव होते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इनका जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, वो 2 साल का होता है। तो हर 2 साल पर इन 10 मेंबर को एक तरीके से हटाया जाता है और फिर दूसरे वहां पर मेंबर्स आते हैं। इनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती है। और ये जो नॉन परमानेंट होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो जो आपकी जनरल असेंबली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, महासभा, इस महासभा में सारे के सारे मेंबर ऑफ नेशन होते हैं, ठीक है? और जो परमानेंट मेंबर है उनके पास कौन सी पावर होती है, वीटो पावर। देखिए वीटो पावर क्या होती है, पहले मैं आपको वो बता दूं, वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसमें क्या होता है, इन 5 देशों के पास है, कौन कौन से, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन 5ों के पास है। तो मान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में कोई फैसला आया, ठीक है, उन फैसले पर इनकी सहमति पूछी जाती है इन 5ों की, तो इन 5ों में से किसी एक ने वीटो का इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है कि वो वहां पर सहमत नहीं है, ठीक है? तो वो चीज पास नहीं हो पाएगी। किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो चीज पास नहीं हो पाएगी, ये वीटो पावर है। तो वीटो पावर अपने आप में ही बहुत बड़ी शक्ति है इन 5 देशों के पास, और इसीलिए कहा जाता है कि यूएन में जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है आपका, उसमें ये जो देश है इनको कुछ ज्यादा ही पावर दे दी, क्योंकि ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए कि ये जो कोई आया आपका, कोई पत्र आया उसमें बोला गया भाई अपनी सहमति और असहमति बताओ, हालांकि वीटो का इस्तेमाल हमेशा किस चीज़ के लिए करते हैं, असहमति दर्शाने के लिए करते हैं, मतलब एक तरीके से ये जो पावर होती है ना वो आपकी नेगेटिव पावर होती है। कौन सी पावर होती है, नेगेटिव, किसी चीज को मना करने के लिए, जिसको हम बोलेंगे निषेधाधिकार, वर्ड ध्यान रखना, निषेधाधिकार मतलब प्रोहिबिशन जिसको कहते हैं हम, उसको हम कहेंगे निषेधाधिकार जो पावर है आपकी, वो होती है एक तरीके से वीटो, ठीक है? और परमानेंट मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, टेन्योर मतलब कार्यकाल, वो होता है आपका इंडेफिनेट, यानी कि ये 45 में बने थे और अभी भी है, ठीक है? तो ये हो गया आपका डिफरेंस परमानेंट मेंबर में और नॉन परमानेंट मेंबर में, ठीक है? चलिए अब इस चैप्टर में एक चीज और आती है, जो कि आती है आपकी यूएन की एजेंसीज। क्या आती है, यूएन की एजेंसीज। अब इसमें क्या है कि जो भी आपने WHO सुना होगा, वर्ल्ड बैंक सुना होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल सुना होगा, ठीक है, IAEA सुना होगा, तो ये जो चीजें हैं ये की एजेंसीज हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिहाज से और 2 मार्क्स के लिहाज से, जिसमें क्या पूछा जाता है आपसे, एक तो MCQ पूछ लिया जाएगा कि ये फाउंडेड कब हुए, फिर इसमें टोटल नंबर आप बता दो, ठीक है, और दूसरा इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो चलिए फिर वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इन की एजेंसीज के बाद में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के जो आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले की एजेंसी देखते हैं हम। सबसे पहले जो की एजेंसी है आपकी वो कौन सी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं क्या, यूनेस्को। क्या बोलते हैं, यूनेस्को, ठीक है?
तो आप ये ध्यान रखें, इसमें जो टोटल मेंबर्स आप बताएंगे वो 195 बताएंगे। इसका काम क्या है? तो आपने यहां पर देखा वर्ड कौन कौन सा, एक आपने देखा एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल। तो इन्हीं सभी चीजों को क्या करना, बढ़ाना, इसको प्रोत्साहन देना। किस चीज को? एजुकेशन को, विज्ञान को, और जो लोगों की संस्कृति होती है, इन सब चीजों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन करना, और दुनिया भर में ग्लोबल पीस लेकर के आना। ये काम है किसका? यूनेस्को का। ठीक है, फाउंडिंग डेट याद रखें नवंबर 16, 1945। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, या तो आपसे ये पूछ लेगा ये, या 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ लेगा इसका ऑब्जेक्टिव, और या तो 1 मार्क में एक और क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है आपसे इसकी फुल फॉर्म। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला कौन सा है? अगला है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 194। इसका काम भी सेम क्या है कि जो भी पब्लिक हेल्थ है, या फिर मान लीजिए हेल्थ स्टैंडर्ड को सेट करना, या फिर हेल्थ से जुड़ी हुई, या फिर मान लीजिए कोई बीमारियां वगैरह होती हैं उससे जुड़ी जो जानकारी होती है कि इस बीमारी को कैसे सभी की दुनिया वाले टैकल करेंगे, उसको खत्म करेंगे, वैक्सीन कैसे बनानी है, कहां बनानी है, ये सब चीजें कौन बताता है? आपका WHO बनाता है। जो COVID-19 की वैक्सीन बनी, तो जब ये COVID-19 चल रहा था आपका, उस समय ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था। ठीक है, तो ये कौन है? ये UN की ही की एजेंसी है। ठीक है, यूएन की एजेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर? एक तो यूनाइटेड नेशन है आपका, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्या बना दिए, ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। तो वो उसके भीतर के ही ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया आपका कि लीड इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एफर्ट, सेट हेल्थ स्टैंडर्ड एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू हेल्थ एमरजेंसी। जैसे कि मान लीजिए COVID-19 जो आपकी है, एक वो हेल्थ एमरजेंसी है जिसके ऊपर काम किसने किया, WHO ने काम किया। उन देशों को भी एक तरीके से वैक्सीन पहुंचाई, जो देश जो थे वो कैपेबल नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, या फिर उन देशों में वैक्सीन नहीं बनी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो भारत ने क्या किया, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन थी है ना, इनको दूसरे देशों में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया। इसके अलावा UN भी उन देशों से लेता था और उन देशों तक पहुंचाता था जहां पर वो बीमारी फैली हुई थी। तो यही तो काम है इसका। अगला कौन सा भाई आपका? अगला है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, UNCF, बट यहां पर क्या है, यूनिसेफ। ठीक है, तो पहले जो इसका नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी या फिर एजुकेशन फंड था, बट बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि यहां पर यूनिसेफ है और यहां पर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, आप यही लिखेंगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, या अगर आप भूल जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी आप लिख सकते हैं। तो ये किसके लिए है, ये है बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और उनकी प्रोटेक्शंस के लिए, कि उनकी सुरक्षा कैसे करनी है। ठीक है, और ये कब बना भाई आपका, 1946 में, और इसके भी क्या है, इसके भी जो मेंबर है 193 मेंबर है। चलिए अगला कौन सा है भाई आपका, अगला है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। अब यहां पर कौन सा वर्ड आ गया, रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज क्या होता है, रिफ्यूजीज होता है आपका शरणार्थी। तो आपने सुना होगा जब दूसरे देश के लोग जो हैं अपने देश को छोड़ करके, मान लीजिए अफगानिस्तान के लोग थे, वहां पर तख्ता पलट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ, वहां पर तालिबान की सरकार आई, तो बहुत सारे जो लोग थे वो अफगानिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में गए, तो ना वो अपने देश के रहे ना ही उस देश के रहे, तो उनको बॉर्डरों पे रहना पड़ गया। अब जब वो बॉर्डर पे रहने लग गए या फिर उन देशों में जाके रहने लग गए, तो वो सबसे पहले क्या कहलाएंगे, वो एक शरणार्थी कहलाएंगे। तो इन शरणार्थियों के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो UN की की एजेंसी है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसका बात का ध्यान रखें, हर जगह पर UN आ रहा है और बस ये 3 वर्ड आपको याद करने हैं। ठीक है, ये भी आपका 1950 में बना था। अगला देखते हैं, अगला आपका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNDP। अब ये जो आपका है UNDP, ये किसको लेकर के है, ये डेवलपमेंट को लेकर के, यानी कि विकास को लेकर के है। और ये कौन सा विकास करेगा, ये करेगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक सतत जो विकास होता है ना, वो कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको ध्यान में रख करके हमें विकास करना है। ठीक है, तो UNDP आपका ये है, और ये एक तरीके से मान लो 170 प्लस कंट्री में ऑपरेट होता है, और ये कब बना था आपका, 1965 में। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम बोलते हैं IMF। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 190। इसका काम क्या है, इसका काम है एंश्योर करना कि पूरे विश्व में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। कभी कभी होता है ना, जब दो देश या फिर मान लीजिए युद्ध हो जाता है बड़े बड़े देशों में, तो दिक्कत क्या आती है कि वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, और इसकी वजह से दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
है ना, और दूसरे दूसरे ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, वहां पर पैसे आना बंद हो जाएंगे, सामान आना बंद हो जाएगा, तो इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है ना वो खराब हो जाती है। तो उस चीज की देखभाल करने के लिए क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसके अलावा ये दूसरे देशों को इकोनॉमिक एडवाइस भी देता है, जिस देश की मान लीजिए अर्थव्यवस्था खराब हो गई हो, जैसे कि मान लीजिए आपका हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्थिति मान लीजिए खराब हो जाए, या फिर श्रीलंका की स्थिति खराब हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, IMF भी उसमें एडवाइस करता है, उनको लोन मुहैया कराना, इस टाइप के जो काम होते हैं ना वो IMF करता है, जिसको कब बनाया गया था, December 27, 1945। अगला आपका कौन सा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दो एक साथ बताऊंगा मैं आपको, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये जो दोनों के दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों NGO हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन आता है कि दो ऐसे NGO बताइए, दो ऐसे NGO बताइए जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के काम करते हो, तो एक है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा कौन सा है, ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, तो ये ह्यूमन के राइट्स जो होते हैं, अधिकार जो होते हैं, उसी के ऊपर ध्यान रखते हैं कि किसी देश में मानव के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, तो उससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए ह्यूमन राइट्स वॉच में क्या लिखा है कि इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। ठीक है, इस की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, खैर एमनेस्टी कब बना आपका, 1961, और ये कब बना, 1978। चलिए अगला चलते हैं, आपका पहला आ गया आपका उसमें 9th नंबर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक है आपका विश्व बैंक। ठीक है, अब इस विश्व बैंक का मतलब क्या है, हर एक देश में अपने अपने बैंक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत में कौन सा बैंक है, भारत में बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ऐसे करके बहुत सारे बैंक होते हैं, इन सभी बैंकों के भी खाते कहीं खुले होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जिसकी मान लो वो सब रेगुलेट करते हैं ना इन बैंकों को, तो वैसे ही पूरे विश्व को लेकर के ऐसा एक बैंक बनाया गया वर्ल्ड बैंक। हालांकि ये कुछ अलग है, इसका काम दूसरे देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, क्या करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उन देशों को लोन वगैरह मुहैया करवाना, मान लीजिए पैसा वगैरह नहीं है देशों के पास तो वर्ल्ड बैंक से वो पैसा ले सकते हैं। ये इसीलिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं कि जब आपके देश की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि आपके पास कोई सहायता करने के लिए ना हो, तो आप कहां जाएंगे, सीधा एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। मान लो आपकी स्थिति जो है दूसरे देशों से अच्छी नहीं है, उनसे संबंध अच्छे नहीं है आपके, ठीक है, तो उनसे आप तो पैसा मांग नहीं पाएंगे, तो आप कहां मांग सकते हैं, वर्ल्ड बैंक में मांग सकते हैं, क्योंकि क्या है वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो सभी देशों का संगठन है आपका। ठीक है, चलिए अगला है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1995 में बना, यानी कि 1995 में बना, और इसके मेंबर कितने हैं, 164। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं ना, पहले इसका नाम कुछ और था, इसका नाम था GATT, यानी कि GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ करके है ये आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इस बात का आप ध्यान रखें, GATT। तो ये आपका हो गया WTO, जो कि क्या करता है, पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ावा देता है, दूसरे देशों के बीच जो है व्यापार हो, उनके बीच में जो बैरियर्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, जो टैक्स ज्यादा लगा देती है कंट्री, तो उन सब चीजों को रेगुलेट करता है कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, चलिए अगला कौन सा भाई आपका, अगला है लास्ट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक, यहां पर नाम में ही एटॉमिक है, IAEA। इसका काम यह है कि यह देशों में एक तरीके से प्रमोट करता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल किस लिए करना है, आपको पीसफुल चीजों के लिए करना है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं करना है, दूसरे देशों पर हमले के लिए नहीं करना है, तो उसके लिए आपका यह बनाया गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, अगर आप वीडियो में यहां तक आए हैं तो आप मुझे अपनी किताब से देख के बता सकते हैं, या आपको याद है तो अपने आप भी बता सकते हैं कि जो IAEA है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, चलो ये कब बना भाई आपका, 1956 में। चलिए अब देख लेते हैं वीटो। तो वीटो वही आपको मैंने पहले बताया था कि वीटो जो आपका होता है वो नेगेटिव वोट होता है, टू बी एंजॉय बाय 5 परमानेंट मेंबर फॉर सिक्योरिटी काउंसिल टू स्टॉप अ डिसीजन। तो वीटो क्या है आपका, एक नेगेटिव वोट है, किस चीज के लिए भाई, जो भी आपके डिसीजन है उसको स्टॉप करने के लिए। ये कोई अलग पावर नहीं है, कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये निषेध अधिकार है। विशेष अधिकार और निषेध अधिकार दोनों डिफरेंट है।
ठीक है। निषेध का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब आप किसी चीज को रोकना चाहते हैं, किसी चीज को मना करना चाहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि उसमें आता है क्वेश्चन कि क्या स्पेशल पावर है, तो आप उसको क्रॉस करेंगे क्योंकि ये एक नेगेटिव पावर है। ये वन मार्क में आता है एमसीक्यू में, जिसमें वीटो के बारे में ऐसे करके सवाल पूछा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट डेडलाइन इस चैप्टर की देख लेते हैं, जिसमें आपको जो ग्रीन वाला है इससे इस चैप्टर को याद रखना है। और एक आपको ट्रिक बताऊंगा अभी इसको याद करने की। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन बना कैसे, उसके लिए तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको अटलांटिक चार्टर जो कि 1941 में हुआ था, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन ये हुआ था 1942 में, फिर आपका है तेहरान कॉन्फ्रेंस जो कि दिसंबर 1943, और फिर आपका याल्टा कॉन्फ्रेंस जो कि आपका फरवरी 1945। अब यहां पर आपने ये चार देखा, ठीक है। इस पे क्या होता है, इन्हीं चार पर एक क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग का। क्या आता है, मैच द फॉलोइंग का, जिसमें ये चीजें लिखी रहेंगी और सामने डेट होंगी, ठीक है। आप नॉर्मल सी बातें कंफ्यूज होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इसका आएगा तो कैसे याद रखना है। अटलांटिक ए होता है ए, ठीक है, तो उससे 1941, तो सबसे पहले ए से 1941, फिर बी सी डी आया तो 1942, फिर उसके बाद डी के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो वो टी पड़ता है तो 1943, और टी के बाद लास्ट में क्या पड़ता है, वाई, यानी कि याल्टा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब ये चारों लिखे होंगे आपके सामने तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि कैसे इसको ऑर्डर को डिसाइड करना है। सबसे पहले ए है तो यही हुआ होगा, ये फिर डी है, फिर टी है, फिर वाई है, समझ रहे कहने का मतलब। तो 1941 अटलांटिक, 42 में डिक्लेरेशन, 43 में तेहरान कॉन्फ्रेंस, फरवरी में जो सॉरी 45 में याल्टा कॉन्फ्रेंस, तो एकदम लाइन वाइज है ये, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके भीतर की चीजें आपको नहीं पढ़नी है, उतना वैसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप थोड़ा देखेंगे तो देख लीजिएगा कि अटलांटिक चार्टर उस पर साइन किस किस ने किए थे। तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवोल्ट, ब्रिटिश के जो पीएम थे विंस्टन एस चर्चिल, ये इसके आए थे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आपका कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है वो बना कब, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर साइन हुए थे 50 देशों के जरिए, लेकिन बाद में एक और देश उसमें ज्वाइन हुआ था जो कि था आपका पोलैंड, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिनल फाउंडिंग जो मतलब मेंबर्स हैं वो 51 है। लेकिन यहां पर वन मार्क का क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग में जब साइनिंग हो रहे थे 26 जून 1945 को, तो लास्ट का मेंबर कौन था, 51 जो मेंबर था वो कौन था, तो वो था आपका पोलैंड। मतलब स्टार्टिंग में तो 50 ही नेशन थे, ठीक है, लेकिन बाद में 51 वहां पर एक और आ गया आपका, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अक्टूबर 24, 1945, इस दिन आपका यूएन बन गया, और इसीलिए 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, ठीक है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, ठीक इसके 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर 1945, ठीक है। चलिए अब जो ये लेक्चर था आपका ये यहीं तक है, यानी कि हमने इसमें टॉपिक्स कवर किए, और हमने कवर किया क्या, हमने कवर किया आपका ये इवेंट की एजेंसी और कुछ इंपॉर्टेंट डेटलाइन, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं उसको, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिले थे उसको हम स्टार्ट करते हैं।